Praise be to the Lord's holy name. प्रभु की नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। We greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता और प्रभु हैं, उसके नाम में आप सबों को शुभकामनाएं देते हैं। The whole world is talking about the end times. सारे संसार अंत के दिनों के बारे में बात कर रही है। People say that we are in the last chapter of this world. लोग कहते हैं कि हम इस संसार के आखिरी अध्याय में पहुंचे हैं। So we are going to consider in this series of messages on the caption the last chapter. और इन संदेशों के क्रम में हम लोग देखने जा रहे हैं इस संदेश का शीर्षक आखिरी अध्याय। We are going to have three topics. हम लोगों के पास तीन ऐसे विषय होंगे। The last chapter of the world, आखिरी अध्याय इस संसार का। The last chapter of Israel, इज़राइल का आखिरी अध्याय। The last chapter of the church, कलीसिया का आखिरी अध्याय। Generally in the world, we divide people into two major groups. दरअसल हम लोग लोगों को दो भागों में विभाजित करते हैं। We say men, women. हम कहते हैं पुरुष और स्त्रियां। Rich, poor. हम कहते हैं अमीर और गरीब। Educated, illiterate. हम कहते हैं शिक्षित अशिक्षित। But in the Bible, लेकिन बाइबल में the mankind is divided into three major groups. मानव को तीन प्रकार के विभाजनों में विभाजित किया गया है। That we read in 1 Corinthians chapter 10 verse 32. इस बात को हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 32वां पद में पढ़ते हैं। The whole mankind is divided into three major groups. और सारे संसार के मानव को तीन प्रकार के झुंडों में बांटा गया है। One group is called the Jews. एक झुंड को यहूदी कहते हैं। Or we can call them Israel. या हम उन्हें कह सकते हैं इजरायली। Israel is God's chosen people. इजरायल परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। There are specific prophecies concerning Israel. इजरायल के बारे में कुछ खास भविष्यवाणियां हैं। There is a God's covenant relationship with Israel. और परमेश्वर का एक ऐसा वाचा उन इजरायलियों के साथ बांधा गया है। There are God's promises to that chosen generation. उस प्रकार के चुने हुए पीढ़ी के लिए परमेश्वर अपने वादाओं को दिया है। When we study about these end time prophecies, जब हम इन अंतिम समय का भविष्यवाणियों को सीखते हैं, we should understand the end time prophecies concerning Israel. और हमें जरूर इजराइल संबंधी जो आखिरी भविष्यवाणियां हैं उसको समझना जरूरी है। And the second group is called Gentiles. दूसरा झुंड को अन्य जाति करके कहते हैं। Non-Israelites. या उनको गैर इजरायली करके कहते हैं। A general world. या उनको संसार करके कहते हैं। And there are prophecies concerning the Gentiles. और इन अन्य जातियों के बारे में भी भविष्यवाणियां हैं। The non-Israelites. और ये जो गैर इजरायली हैं। And there is another group. और एक झुंड भी है। They are neither Israelites. वे ना तो इजरायली हैं। Nor Gentiles. या अन्य जाति भी नहीं हैं। And they are taken from Israelites and Gentiles. और ये दोनों जगह से यानी कि इजरायली से भी हैं और गैर इजरायली से भी हैं। Made one chosen group for the Lord. और इन दोनों को एक ऐसा चुने हुए लोग के रूप में परमेश्वर के लिए चुने गए हैं। That is called the Church of God. और इन्हीं को परमेश्वर के कलीसिया कहते हैं। He is not a Jew. और वो यहूदी नहीं हैं। Neither he is a Gentile. वो अन्य जाति भी नहीं है। We call him a Christian. हम उन्हें कहते हैं मसीही। And Christians call the church. और मसीहियों को हम कलीसिया कहते हैं। There are prophecies concerning the church. और उनके जो भविष्यवाणियां जो कलीसिया के बारे में हैं। So when we study the end time prophecies, और इसलिए जब हम लोग अंतिम समय के भविष्यवाणियों को सीखते हैं, prophecies concerning Israelites, और इजरायलियों के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं, prophecies concerning Gentiles, अन्य जातियों के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं, prophecies concerning the church, और
और भविष्यवाणियां कलीसिया के बारे में. इन दिस फर्स्ट टॉपिक और इस पहला विषय में, इन दिस फर्स्ट स्टडी और इस पहला अध्ययन में, वी आर गोइंग टू सी प्रोफेसीज कंसर्निंग द जेंटाइल वर्ल्ड. हम लोग इस अन्य जाति के संसार के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं उसको देखने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. और पहला भाग के साथ मैं आरंभ करना चाहता हूं. द लॉस्ट चैप्टर ऑफ द वर्ल्ड. संसार का आखिरी अध्याय. Many people are talking that, many people are saying, many people are conscious about the fact, in 2012 the world will end. एक तथ्य के बारे में सारे संसार के लोग आकर्षित किए गए हैं, वो है 2012 में संसार का अंत होने का संभावना है. There is a very popular Tamil news channel. एक ऐसा प्रचलित न्यूज चैनल है. That is Sun TV. और जिसको कहते हैं सन टीवी. It is viewed all over the world. और इसको विश्व भर में देखा जाता है. And they had a very special program with a caption, 2012, end of the world. और उनके पास एक खास ऐसा शीर्षक था, 2012 संसार का अंत. Even there was a movie with that caption. और इस प्रकार एक फिल्म भी बनाया गया था इस शीर्षक के साथ. People started thinking about or asking questions about if 2012 is the end of the world. और इसीलिए लोग पूछने लगे कि क्या 2012 सचमुच संसार का अंत का साल है. And people even fixed the date. और लोग यहाँ तक आगे बढ़ गए कि एक तारीख को भी नियुक्त किए. 21 December 2012 is the doomsday. और 21 दिसंबर 2012 को ही वो अंतिम खयामत का दिन करके वो लोग नियुक्त कर दिए. इंटरनेट इज फ्लडेड विद दिस टॉपिक्स. और इसी प्रकार के विषय को लेकर के भरा हुआ है संसार. In international channels like BBC, Discovery, and they are telecasting topics based on the end of the world. अंतर्राष्ट्रीय चैनलों में भी इस विषय पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जैसे CBN है, BBC है और अन्य प्रकार के चैनलों में. What is the cause? What is the reason people started all of a sudden talking about 2012? कारण क्या है कि लोग सब कोई मिलकर के 2012 के बारे में बात कर रहे हैं? In America, Russia has built some bunkers. और अमेरिका में और रशिया में कुछ ऐसे जगह बनाए गए. It's called WICOS. That organization has built these bunkers. और कुछ ऐसे जगहों को एक संस्था बनाई है. And there are 20 bunkers. 20 bunkers. और 20 प्रकार के बंकर वो लोग बनाए हैं. In each bunker, 200 people can be lodged in. और एक एक बंकर में करीबन 200 लोगों को ठहराया जा सकता है. These bunkers can withstand any type of nuclear attack. और कोई भी न्यूक्लियर हमला को ये सामना कर सकती है ये बंकर. न्यूक्लियर रेडिएशन कैन नॉट pierce through. और जितने भी ये न्यूक्लियर का रेडिएशन होती है उसका प्रतिबिंब से इसका कोई हानि नहीं होगी. Even if there's a water stagnant to the height of 600 feet, these bunkers will not be affected. चाहे 600 फीट से भी ज्यादा पानी आ जाए, इस बंकर का कोई हानि वहां नहीं होगी. Even if there is an earthquake to the magnitude of 10 points in a Richter scale, that will not have any impact on these bunkers. और एक उस प्रकार का भूकंप अगर 10 जो पॉइंट है रिक्टर स्केल में अगर वो भी हो जाए, इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है. If water is dashing on these bunkers at the speed of 450 km per hour, these bunkers cannot be affected. चाहे ऐसा पानी का एक बाढ़ भी 400 किलोमीटर का तेजी में इस पर चाहे लगे, फिर भी इस बंकर का कुछ नहीं होने वाला है. दिस बंकर्स आर मेड टू हाउस 4000 पीपल. और ये बंकर करीबन 4000 लोगों के लिए बनाया गया. हु आर दोस 4000 पीपल? और ये 4000 लोग कौन हैं? हु आर दोस एलाइट 4000 पीपल? और ये चुने हुए 4000 लोग कौन हैं? दिस हैज कॉज्ड अ ग्रेट कंसर्न इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. और लोगों के दिमाग में ये बहुत बड़ा एक चिंता को पैदा कर दिया है. सो द पीपल आर मोर अवेयर ऑफ सम नेचुरल कैटास्ट्रोफी in a great magnitude is going to hit on the earth. और इसीलिए इस संसार में एक प्रकार का
प्राकृतिक विनाश होने वाली है करके लोगों के दिलों में एक घंटी बजी है. देयर इज अ रीजन टू फिक्स दिस डेट December 21, 2012. और एक कारण है इस तारीख को नियुक्त करने के लिए कि 21 दिसंबर 2012. There was a community called Mexo-American or Mayan community. They lived in Mexico. और एक समुदाय था मेक्सिको में जिसका नाम है मायन समुदाय. And they had a calendar. उनके पास एक कैलेंडर है. It is a complex calendar. और ये एक जो असमंजस पैदा करने वाली एक कैलेंडर है. Finite calendar, finite. और ये तो एक जो नियुक्त किया गया जिसको नापा जा सकता है वैसा एक कैलेंडर है. This calendar is generally called Mayan calendar. और इस कैलेंडर को मायन कैलेंडर करके कहते हैं. The calendar what we use generally it's a जूलियन कैलेंडर. और जिस कैलेंडर को हम लोग उपयोग करते हैं उसका जूलियन कैलेंडर करके कहते हैं. देयर द वीक इज फाइनाइट. और वहां पे एक हफ्ता को नियुक्त किया गया. संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अगेन संडे मंडे. और सोमवार से लेकर इतवार तक एक पूरा हफ्ता करके वो बंधा हुआ है. आवर मंथ मंथ्स आर फाइनाइट. आवर मंथ्स और हमारे महीनाओं को नियुक्त किया गया है. जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च. और जनवरी फरवरी मार्च करके दिसंबर तक हम लोगों के लिए बना हुआ है और वही बंधा हुआ नापा गया है. बट द इयर्स आर इनफाइनाइट. लेकिन सालों को हम लोग गिनना मुश्किल होता है. 2010 2011 2012 etc. और 2010 2011 2012 करके उसको गिनने में तकलीफ होती है. बट इन मायन कैलेंडर. लेकिन मायन कैलेंडर में नॉट ओनली डे इज फाइनाइट. और जरूर दिन तो गिना जाता है. नॉट ओनली वीक इज फाइनाइट. और हफ्ते भी वहां पे गिना जाता है नापा जाता है. नॉट ओनली मंथ्स आर फाइनाइट. ना केवल वहां पे महीनाओं को नापा जाता है. इवन ईयर्स आर फाइनाइट. लेकिन सारे साल जो उस कैलेंडर में है वो नापा गया है गिना गया है. अकॉर्डिंग टू मायन कैलेंडर. और ये मायन कैलेंडर के अनुसार वन साइकिल विल बी ओवर इन 5125 years. और एक साइकिल या चक्र 5125 वर्षों में पूरी होती है. सो द साइकिल ऑफ द प्रेजेंट मायन कैलेंडर विल एंड ऑन December 21, 2012. और इसीलिए एक चक्र जो मायन कैलेंडर के अनुसार पूरा होने के लिए जो है वो है 21 दिसंबर 2012. We cannot say that it will continue after that. और हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि इसके बाद लगातार होगा कुछ. It has to start from day one again. वो पहला दिन से फिर से शुरू होना चाहिए. But December 21, 2012, this cycle of Mayan calendar comes to end. लेकिन ये 31 दिसंबर 2012 में वो मायन कैलेंडर का जो चक्र है वो पूरा होता है. नंबर टू. दूसरा. देयर वॉज अ सीयर बाय नेम नेस्टरडेमस. ही लिव्ड इन 16th सेंचुरी इन फ्रांस. और 16वां ईस्वी में फ्रांस देश में एक व्यक्ति जिया था जिसका नाम है नॉस्टरडेमस. ही गेव अ लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस. और वो बहुत प्रकार के नबुवतों को किया था. एंड दोज ही इंटरप्रेट हिज प्रेडिक्शंस. और जो कोई उन नबुवतों को बताए दे से दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज एज ही प्रेडिक्टेड. और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो उसके कहने के अनुसार हुआ करके कहते हैं. फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मिस्टर जॉन एफ कैनेडी वाज किल्ड As it was predicted by Nostradamus. John F. Kennedy जो राष्ट्रपति थे अमेरिका देश के उनका मृत्यु के बारे में इस प्रकार होगा करके उनके कहने के अनुसार हुआ करके कहते हैं. Even his brother Robert F. Kennedy was murdered or killed as it was predicted by Nostradamus. और उनका भाई जो थे उनका भी घात इस प्रकार होगा करके Nostradamus सही बताया करके कहते हैं. Even the attack on the Twin Towers, September 11,
They say it was predicted by Nostradamus. और सितंबर 11 को जो दो गुम्मट का नाश विनाश हुआ उसको भी नॉस्ट्रेडामस ने पहले ही कह चुका है करके लोग कहते हैं. According to the interpretation of some scholars of the Nostradamus study, they say 2012 will be the end of the world. नॉस्ट्रेडामस का जो अध्ययन करने वाले विद्वान जो होते हैं वे भी इस बात को मानते हैं कि 2012 में संसार का अंत होने वाला है. Number three, why people are all of us then started thinking more about the end of the world. तीसरा कारण यह है कि सारे संसार के लोग इस अंत के समय के बारे में ज्यादा जोर देने लगे. They have identified a planet called Nibiru. एक ऐसा प्लैनेट के बारे में ये लोग पहचान लिए जिसका नाम है निबिरु. एंड द पाथ ऑफ दैट प्लैनेट इज कोलाइडिंग विद द पाथ ऑफ द अर्थ. और हमारे ये जो विश्व है उससे ये लड़ने वाला है ये निबिरु करके कहते हैं. एंड द साइंटिस्ट सेज और वैज्ञानिक इस प्रकार कहते हैं इट मे कोलाइड इट मे नॉट कोलाइड. चाहे ये हो सकता है लड़ भी सकता है या लड़ नहीं भी सकता है. इन ऑल प्रोबेबिलिटी देयर इज अ कैटलिज्म देयर मे बी अ कोलिजन. और लोग कहते हैं कि ज्यादातर इसके लिए उम्मीद है कि हाँ संसार ये विश्व और वो निबिरु लड़ सकता है. दैट मे डिस्ट्रॉय अ पार्ट ऑफ द अर्थ. और ये संसार का एक भाग को नाश करता कर सकता है जब इसका टकराव होगा. और द होल अर्थ कैन पीसेस या पूरा संसार चूर चूर होने का भी संभावना है करके कहते हैं. एंड वन मोर थिंग और एक चीज भी है. दे हैव आइडेंटिफाइड अ ब्लैक होल. एक काला ऐसा छेद को लोगों ने पहचान लिया है. इट इज समथिंग लाइक अ बिग एस्ट्रॉइड हेवनली बॉडी. और एक एस्ट्रॉइड जिसको कहते हैं यानी कि स्वर्गीय एक एक उस प्रकार का चीज. इट इज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ. और ये संसार के ओर आ रही है. इवन इफ इट फॉल्स इनटू द सी चाहे ये समुंदर में भी गिर जाए. सी वाटर दैट विल बी ओवरथ्रोन. और उसके द्वारा जो पानी फेंका जाएगा समुंदर से इट विल बी एनफ टू कॉज ए ग्रेट कैटास्ट्रोफी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. और संसार के मुख पर ये बड़ा विनाश को लाने का ताकत रखती है. इवन दैट ब्लैक होल इज कमिंग क्लोजर टू द अर्थ. और ये जो काला छेद है ये भी संसार के पास नजदीक आ रही है. नाउ देयर इज अ चेंज इन द वर्ल्ड परसेप्शन. और संसार के रवैया में एक परिवर्तन आया है. ह्यूमन रिलेशनशिप चेंज. लोगों के रिश्ताओं में एक परिवर्तन. द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ चेंज. पति पत्नी के बीच का जो संबंध है उसमें परिवर्तन. बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन चेंज. माँ बाप और बच्चों के बीच का जो रिश्ता है उसमें परिवर्तन. वी आर गेटिंग इनटू अ न्यू एज कॉन्शियसनेस. हम लोग एक नए एक साल या एक समय काल का एक विवेक में चले आ रहे हैं. एंड दिस न्यू एज कॉन्शियसनेस दोज हु प्रोपेगेट दैट दे से इट स्टार्टेड इन 2000. और जो इस नए काल का विवेक के बारे में कहते हैं वे 2000 जो साल था उस समय से लेकर इस पर ज्यादा जोर देने लगे. एंड दे वर सेइंग ऑल दिस इयर्स दिस चेंज वुड बिकम टोटल इन 12 इयर्स टाइम. और वे कह रहे थे कि ये जो परिवर्तन आरंभ हुआ है ये पूरा तब होगा यानी कि 2012 साल में पूरा होगा. सो फ्रॉम 2012 और इसीलिए 2012 जो है फ्रॉम 2013 और 2013 से लेकर ऑल अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप वैल्यू सिस्टम एवरीथिंग वुड बी टोटली चेंज. वील बी लिविंग इन अ न्यू वर्ल्ड. संबंध के बारे में जो हमारा विचार है वो नया हो जाएगा और नाना प्रकार के बातों के बारे में हमारा जो विचार है वो बदल जाएगी. एक नए काल में हम प्रवेश करेंगे. Our perception about politics, हमारा राजनीति के बारे में जो रवैया है. Our perception about God, परमेश्वर के बारे में जो हमारा रवैया है. Our perception about religion, और ये जो आत्मिक बातों के बारे में हमारा रवैया है. Our perception about relationships,
रिश्ताओं के बारे में जो हमारा रवैया है, our perception about value systems, मूल्यों के बारे में, उसका प्रणाली के बारे में हमारा विचारों, according to this new age consciousness, और इस नए काल के विवेक के अनुसार, everything would be different from 2013 से लेकर सारी बातों में, विचारों में एक परिवर्तन आ जाएगी. And a sect of people from Hinduism, और हिंदू धर्म के कुछ पंथ के लोग, they say that we will move from Kali Yuga to Satyuga in 2013. वे इस प्रकार कहते हैं, 2013 साल से लेकर हम लोग कल युगा से सत्य युगा में या युग में प्रवेश करेंगे. Apart from all these things, और इन सारी बातों के अलावा, the scientists are talking about ग्लोबल वार्मिंग. वैज्ञानिक लोग पूरे संसार का गर्माहट के बारे में, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं. A few days back, कुछ दिन पहले, there was an article in Times of India, एक प्रकार के संदेश को टाइम्स ऑफ इंडिया में पाए थे. There is in one day, because of the global warming, 10 million people can be killed. एक ही दिन में 10 मिलियन लोग खत्म हो सकते हैं गर्माहट के चलते करके कहते हैं. The glaciers in Himalaya are melting very fast. और वहां पे जो हिम है हिमालय में, वो बहुत जल्दी पिघल जा रहा है. And the water level in the sea will rise. और समुंदर का जो पानी का जो नाप है वो और बढ़ता ही जाएगा. Many cities, many countries which are seen today may not be seen tomorrow. कई एक शहर या देश जो आज दिखाई दे रही है, वो कल शायद दिखाई नहीं देगा. That is causing a great concern in the minds of the people and the planners. और ये सब भी लोगों के दिमाग में गूंज रही है, और जो योजना बनाने वाले हैं, उनके दिमाग में भी ये बातें हैं. And the world is getting for the major third world war. और सारा संसार तीसरा महायुद्ध के लिए तैयार हो रही है. Even today there are very powerful 80,000 nuclear bombs. और करीबन ऐसा 80,000 न्यूक्लियर बम का तैयारी हो चुका है. And terrorists have got accessibility to some of these nuclear stations. और ये जो आतंकवादी लोग हैं, इस प्रकार का न्यूक्लियर संबंधी जहां भी कक्षाएं हैं और बनाने का जगह है, उस पर ये लोग अपना नजर रखे हैं. Before I could proceed, I say one more thing. Why people are suddenly concerned about the end time? आगे बढ़ने से पहले और एक कारण मैं बता दूं कि अचानक लोगों का दिमाग क्यों ये अंतिम समय के बारे में ज्यादा सोचने लगी है. This is very very important. ये बहुत ही जरूरी है. All over the world, सारे संसार में, democracy has almost failed. और जननायक जो है उसको बेचा गया है. We had days when kings were ruling us. और हम लोगों के पास ऐसे दिन थे जब राजा लोग राज्य कर रहे थे. Dictators were ruling us. और हमारे लिए ऐसे अगुवे थे जो सारा अधिकार रखने वाले थे. And we had communism. और हमारे पास कम्युनिज्म भी था. Now people are ruling people. और अभी लोग लोगों के ऊपर राज्य कर रहे हैं. But there's a total failure all over the world. और इसमें विश्व भर में बड़ा चूक हो गया है. And people are disillusioned about this democracy. और इसके बारे में, यानी कि जननायक के बारे में लोगों ने पीछे हट गया है. So the world is getting ready for a new form of government. और इसीलिए विश्व भर में एक नया प्रकार का सरकार के लिए सारा संसार तैयार हो रही है. Now a big question comes. एक बड़ा सवाल हमारे पास आती है. Then what does the Bible say about it? तो इन सारी बातों के बारे में बाइबल क्या बतलाती है? What does the Bible say about it? और इन सारी बातों के बारे में बाइबल क्या बतलाती है? My dear brothers, sisters, those are listening to this. मेरे प्रिय लोगों जो इन बातों को सुन रहे हैं. The Bible. बाइबल. One third of the Bible is of prophecies. और बाइबल का तीन भागों में एक भाग भविष्यवाणियों से भरा हुआ है.
And if somebody doesn't understand prophecies, और जो लोग भविष्यवाणियों को समझते नहीं हैं, he doesn't understand one third of the Bible. और बाइबल का एक मुख्य हिस्सा को वो समझते नहीं हैं. If somebody doesn't believe prophecies in the Bible, और अगर कोई भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं, he doesn't believe one third of the Bible. अगर वो लोग विश्वास नहीं करते हैं, इसका मतलब बाइबल का एक मुख्य हिस्सा पर वो विश्वास नहीं करते हैं. If somebody keeps prophecies away, अगर कोई भविष्यवाणियों को किनारे रख देते हैं, he keeps one third of the Bible away. इसका मतलब बाइबल का एक मुख्य हिस्सा को वो किनारे कर दिए हैं. Kings came, kings fell, as it was prophesied in the Bible. और राजा लोग खड़े हुए, राजा लोग गिरे, भविष्यवाणियों के अनुसार जो बाइबल में पाए जाती हैं. Kingdoms arose, kingdoms fell, as it was prophesied in the Bible. राज्य खड़े हुए, राज्य गिरे, वो भी बाइबल के भविष्यवाणियों के अनुसार था. Yesterday's prophecies are today's news. और कल का जो भविष्यवाणियां हैं वो आज का खबरें होती हैं. As it was prophesied, things have happened. जैसे भविष्यवाणियां किया गया था वैसे बातें हो रही हैं. What shall happen next? और आगे क्या होना चाहिए? It shall take place as it is prophesied in the Bible. भविष्यवाणियों को जो बतलाया गया बाइबल में उसी के अनुसार होने वाला है. There was a prophet or a seer who was called John. और एक ऐसा नबुवत या एक ऐसा भविष्यद्वक्ता था जिसका नाम यूहन्ना था. He was one of the prophet, one of the apostles of our Lord and Savior Jesus Christ. ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों में से या शिष्यों में से एक था. And this John was the brother of another apostle, James. और यही यूहन्ना दूसरा उसका भाई का नाम था याकूब. And this John, और यही यूहन्ना, was kept in an island called Patmos as a prisoner. और एक ऐसा टापू में रखा गया था जिसका नाम पतमोस है. It was in the days of King Domitian. और एक ऐसा राजा जिसका नाम है डोमिशियन, उसके काल में ये ऐसा जगह में रखा गया. His father was Vespasian. और उसका पिताजी का नाम था वेस्पासियन. Only in the days of Vespasian. और वेस्पासियन के दिनों में ही. In history, Jerusalem was destroyed. इतिहास में देखते हैं यरूशलेम का नाश किया गया. The temple in Jerusalem was destroyed. यरूशलेम का मंदिर का नाश किया गया. It was under the leadership of his son Titus. और उसका दूसरा बेटा जिसका नाम था तीतुस उसके दिनों में था. After Titus died, तीतुस का मरने के बाद, his brother Domitian, he became the king. और तीतुस का जो भाई जिसका नाम डोमिशियन था वही राजा बना. And he proclaimed, declared that he was God. और वो इस प्रकार घोषणा किया कि वो खुद परमेश्वर है. He gave a promulgation that everybody should worship him. इस प्रकार का आज्ञा उसने दी कि सारे लोगों को मेरा आराधना दंडवत करना है. When the Christians were not willing to worship Domitian, और जब लोग खासतौर से मसीह लोग उसका दंडवत जब नहीं किए, they were tortured. उन लोगों को परेशान किया गया. And most of these prisoners were sent to an island called Patmos. और उन लोगों को बंदुआई में ले जाया गया और उनको बंदी बना करके पतमोस उस टापू में भेजा गया. It was a very small island. एक छोटा सा टापू था वो. 8 kilometers long. और 8 किलोमीटर लंबा. And it's only half a kilometer wide in its narrowest path. मात्र वहाँ पे आधा किलोमीटर वो चौड़ा था जहाँ पे उसका जो जगह थी वो सकरा था. The prisoners were left there. They were to cut the marble and load them in the waiting ship to Rome. और उन लोगों को कुछ ऐसा भारी काम दिया गया था उन सारे बंदियों को. They are fed only to do that work. और वो लोग बहुत डरे हुए और कांप रहे थे. If they don't do the work, they will be scourged badly. और उस प्रकार का काम अगर वो करते नहीं है तो उन लोगों को कोड़े मारे जाते थे. If somebody is too sick or too weak to work, he will not be given food. अगर कोई बहुत कमजोर है जो काम नहीं कर सकता है उसके लिए कोई खाना नहीं दिया जाता था. Somebody sent to that island is to go there and die.
किसी को उस बतमोस टापू में अगर भेजा जाएगा वो वहां जाएगा और वहीं पे मरेगा. When a prisoner dies, अगर कोई वहां पे बंदी मर जाता है, they don't even bury that prisoner, और वहां उस बंदी को वहां पे गाड़ते भी नहीं है, दफनाते नहीं है. The wild animals of that island and the fowls of the air, they will come and have a feast on that body. और कोई जानवर या जो आकाश का पक्षी है उस पर हमला करके उसको खा जाता. That is how they were causing scare in the minds of the other prisoners. और इस प्रकार का एक डर को अन्य जो जिंदा बंदी हैं उनके अंदर वो लोग पैदा करते थे. When it was fully decomposed, और पूरा जब वो नाश हो जाता, they'll kick the body to the sea. और उस समुंदर में वो लाश को गिरा देते हैं. This is the situation, this is the predicament in which John was kept. इसी प्रकार का एक वातावरण में जगह में यूहन्ना रखा गया था. ऑलरेडी हिज ब्रदर जेम्स वाज किल्ड, और उससे पहले उसका भाई याकूब को लोगों ने मरवाया. इन द डेज ऑफ सीजर नीरो हिज फ्रेंड पीटर वाज किल्ड, और नीरो के समय में उसका दोस्त पत्रस को मारा गया. पॉल वाज किल्ड, पौलुस को मारा गया. इन इंडिया अनदर अपोस्टल थॉमस वाज किल्ड, भारत वर्ष में और एक प्रेरित जिसका नाम थोमा है वो मारा गया. ऑल द अदर लीडर्स वर किल्ड, और सारे अगुवे जितने थे वे मारे गए. नाउ इन द डेज ऑफ डोमिटियन, और अभी डोमिशियन के समय में, जॉन वाज अबाउट 93-95 इयर्स ओल्ड, और उस समय करीबन यूहन्ना का 90 या 95 साल का उम्र का था वो. ही सेंट टू दिस क्रूयल प्लेस, और उसको उस प्रकार का एक क्रूर जगह में भेजा गया. व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अगला क्या होगा? व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा? व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या है? He was troubled with that question. और इस प्रकार का सवाल के साथ ये परेशान रहा. The church is tortured. और वहां पे कलीसिया सताया जा रही है. Church is going through a terrible persecution. और एक बड़ी सताहत के बीच में कलीसिया गुजर रही है. What will happen next? अगला क्या होगा? When he was with that question on a particular Lord's day, और उस प्रकार का एक दिन जो प्रभु का दिन कहलाता है उसमें वो था. Jesus appeared to John. प्रभु यीशु मसीह उसके लिए दर्शन दिए यूहन्ना को. Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, John, don't be afraid. यूहन्ना मत डरो. Fear not. तुम मत डर. I am alive. मैं जिंदा हूँ. I was dead, but I am alive. मैं मरा हुआ था लेकिन मैं जिंदा हूँ. I am the beginning, I am the end. मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ. I got the keys of death and hell. और मेरे पास ये जीवन और मृत्यु का कुंजी है. Don't be worried. और इसीलिए मत डरो. Everything happening as it was planned. और जो भी हुआ सारी बातें मेरे योजना अनुसार हुआ है. I am in full control of the events. और सारी घटनाओं को मैंने उसके ऊपर अपना नियंत्रण रखा है. And Jesus told him, और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, Don't be afraid. इसलिए मत डरो. And you are on my right hand. तुम मेरे दाहिने हाथ में हो. My dear brother, my dear sister, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय. Jesus started. It was revealed to John. That everything that's going to happen on this earth. यूहन्ना को ये बतलाया या दिखाया गया कि संसार में क्या होने वाला है. Everything is recorded and kept in a scroll. सारी बातें एक स्क्रॉल में वहां पे लिखा गया है. And they put 7 seal for that scroll. और उन सारे स्क्रॉल के लिए वहां पे 7 ऐसा वहां पे मुहर लगाया गया है. Jesus the Lamb of God. प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है. And seal after seal after seal, he started breaking it open and showing it to John. और एक एक मुहर को तोड़ 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 करके यूहन्ना को बताने लगे प्रभु यीशु मसीह. My dear brother, my dear sister, मेरे प्रिय भाई बहन. And in that, the whole future events are recorded. और उसी में सारे भविष्य का जो घटनाएं हैं वो वहां पे लिखा गया है. स्पेशली खास तौर से द हिस्ट्री ऑफ द होल वर्ल्ड, और सारे संसार का जो इतिहास है. द पास्ट प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, और जो भूतकाल है वर्तमान है और जो भविष्यकाल है. एंड ऑल्सो द लास्ट ग्लोबल वॉर, और खास तौर से वो अंतिम विश्व युद्ध.
Everything is recorded in a meticulous way. सारी बातें छोटी छोटी बातों को लेकर के वहां पे लिखा गया है. And everything is given to us in the book called the book of Revelation. और सारी बातों को प्रकाशित वाक्य नामक पुस्तक में हमारे लिए दिया गया है. It is not a closed book. ये एक बंद किया हुआ पुस्तक नहीं है. It is a book of Revelation. ये एक प्रकाश देने वाले एक पुस्तक है. In that book, उस पुस्तक में it is given things that shall be hereafter. और जो आगे होने वाला है उसके बारे में उस पुस्तक में दिया गया है. That book has got 22 chapters. और उस पुस्तक में 22 अध्याय हैं. And if you go to chapter 17, अगर आप 17वां अध्याय को निकाल के पढ़ेंगे, and if somebody could read the first 14 verses, अगर आप उसमें से पहला वचन से लेकर 14वां वचन तक पढ़ेंगे, then we see the whole world history given in beautiful nutshell. और आप वहां पे देख सकते हैं पूरे विश्व भर का जो इतिहास है उसको बिल्कुल संक्षेप रूप में दिया गया है. एंड इफ यू रीड द फर्स्ट 10 वर्सेस, अगर आप पहले 10 वचनों को पढ़ेंगे, देयर यू सी अ रिलीजियस सिस्टम, वहां पे एक धार्मिक प्रणाली को आप देख पाएंगे. दैट रिलीजियस सिस्टम विल बी प्रिवेलेंट ऑन द फेस ऑफ द अर्थ एट द एंड टाइम. और अंतिम दिनों में संसार भर में इस प्रकार का एक धार्मिक प्रणाली पाया जाएगा. दिस रिलीजियस सिस्टम, ये जो धार्मिक प्रणाली है, इज द बेस और द रूट ऑफ ऑल द रिलीजियस सिस्टम्स. और सारे धार्मिक बातों के लिए यही आधार होगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल हॉर्लेट्स. और इसीलिए इसका नाम ऐसा दिया गया है सारे व्यभिचारिणियों का माताजी. इन अदर वर्ड्स दैट इज द बेस फॉर ऑल फॉल्स रिलीजियस सिस्टम्स. और कहने का दूसरा मतलब यह है कि सारे जो गलत धर्म हैं उसके लिए यही राह उत्पन्न करने वाली है. इन वन फॉर्म और द अदर, एक रूप में या दूसरा रूप में, दिस रिलीजियस सिस्टम will be prevalent all over the world at the end time. यही धार्मिक प्रणाली विश्व भर में अंतिम दिनों में प्रचलित हो जाएगी. It is a very rude shock. और ये एक ऐसा बात है. This religious system will have its inroads in all Christian denominations. ये सारे मसीही जो विभाजन हैं, सारे विभाजनों में पाया जाएगा. So we read about that system in the first 9 verses. और इसीलिए इस धार्मिक प्रणाली के बारे में प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय पहला वचन से लेकर 9वां वचन तक देख सकते हैं. Then from verse 10, और उसके बाद 10वां पद से लेकर, we read about the history of the world. हमारे पास वहां पे संसार का इतिहास को हम देख सकते हैं. If you got a copy of the Bible, kindly turn with us to Revelation chapter 17. अगर आपके पास बाइबल हो और आप प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय पे आ जाएं. And we shall read from verse 10. और हम आपके लिए 10वां पद से लेकर पढ़ दे रहे हैं. And there are 7 kings. वे 7 राजा भी हैं. But in the original, it's not kings, kingdoms. दरअसल वो राजा नहीं है, राज्य है. So we read like this. और इसलिए हमें इस प्रकार पढ़ना होगा. 7 kingdoms. वहां 7 राज्य भी हैं. 5 are fallen. 5 तो हो चुके हैं. Already 5 kingdoms had fallen. यानी कि 5 राज्य गिर चुके हैं. And one is. और एक तो अभी है. That is the 6th kingdom is there. यानी कि 6वां राज्य वो है. एंड द अदर इज नॉट एट कम, और आगे अगला नहीं आया. द 7th किंगडम, 7वां राज्य, इन द डेज ऑफ जॉन, यूहन्ना का दिनों में, इट इज नॉट एट कम, और वो आया नहीं था. बट इन आवर डेज, लेकिन हमारे दिनों में, फाइनल किंगडम इज कम, और हमारे दिनों में ये अंतिम राज्य आ चुका है. I'll show to you about that later. और उसके बारे में मैं बाद में दिखाऊंगा. The seventh is not yet come. और 7वां अभी नहीं आया करके यूहन्ना के दिनों में कहा गया. And when he cometh,
और जब आएगा तो when the seventh kingdom cometh, जब ये सातवां राज्य आएगा he must continue a short space, कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है. This seventh kingdom will be on the face of the earth, but for a short space. सातवां ये जो राज्य है ये संसार के मुख पर होगा लेकिन ये कुछ समय के लिए होगा. And verse 11, और ग्यारहवां वचन, and the beast that was and is not, even he is the eighth and of the seven and goeth into perdition. जो पशु पहले था और अब नहीं है वो आप आठवां है और उन सातों में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा. फ्रॉम दिस फाइनल किंगडम, और इस अंतिम राज्य में से, फ्रॉम दिस सेवेंथ किंगडम, उस सातवां राज्य में से रूलर विल कम, और एक ऐसा शासन करने वाला आएगा. एंड ही विल हैव अ किंगडम, और उसके पास एक साम्राज्य होगा. दैट इज द एइथ किंगडम, और उसी को आठवां साम्राज्य. हियर ही इज कॉल्ड द बीस्ट, और उसी को यहाँ पे पशु करके कहा गया. आर वी कॉल हिम एंटी क्राइस्ट, या हम उसको मसीह विरोधी कहेंगे. आर ही विल बी द मैन ऑफ पर्डिशन, या सन ऑफ पर्डिशन, उस वो दुष्ट का पुत्र है. And his kingdom will be on the face of the earth for at least 7 years. उसका साम्राज्य इस पृथ्वी के मुख पर होगा. And in verses 12 and 13, और हम लोग वहाँ पे 12वां और 13वां वचन में देख पाएंगे. There we read about the final stage of his kingdom. और उस राज्य का अंतिम समय को हम देख पाते हैं. And in verse 14. हम देखते हैं 14वां पद में. द बाइबल सेज, बाइबल बतलाती है अबाउट द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस ह्यूमन किंगडम. प्रभु यीशु मसीह के वापस आने के बारे में और विनाश के बारे में कहा गया है. नाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस सेवन किंगडम्स, और संसार इन सात राज्यों को जब पहचानती है. अबर ऑल दी सेवन किंगडम्स, और इन सारे सात राज्यों में देयर आर प्रेडिक्शंस इन द बाइबल, और भविष्यवाणियां है बाइबल में. एंड थिंग्स हैपेंड एज इट हैज बीन प्रेडिक्टेड, और जैसे भविष्यवाणियां हुई थी उसी के अनुसार चीजें हुई. द फर्स्ट किंगडम इन द वर्ल्ड वाज नोन एज इजिप्शियन एम्पायर, और पहला साम्राज्य का नाम जो मिस्र साम्राज्य कहा गया. एंड इजिप्शियन एम्पायर केम टू एन एंड इन द डेज ऑफ किंग हिजकिया, और हिजकिया राजा के दिनों में ये मिस्र का जो साम्राज्य वो पूरा हुआ. इन द डेज ऑफ प्रॉफिट आइज़ाया, और वो भविष्यद्वक्ता जो यशाया नबी थे उनके दिनों में इसका अंत हुआ. इन द डेज ऑफ किंग सन्हेरीब, और सनाक्रिब जो राजा थे उनके दिनों में. दिस फर्स्ट एम्पायर इजिप्शियन एम्पायर केम टू एन एंड एज इट वॉज प्रोफेसाइड इन द बाइबल, और जैसे बाइबल में जिसके बारे में वर्णन है भविष्यवाणियां हैं ये मिस्र का साम्राज्य समाप्त हुआ. एंड द सेकेंड एम्पायर वॉज द असीरियन एम्पायर, और दूसरा जो साम्राज्य है वो अशूर साम्राज्य है. द बाइबल प्रिडिक्ट्स अबाउट द असीरियन एम्पायर ऑल्सो, और इस अशूर साम्राज्य के बारे में भी बाइबल साफ बतलाती है. And the Assyrian Empire, और ये अशूर का जो साम्राज्य है, as it was prophesied in the Bible, जैसा बाइबल में बताया गया है, came to an end in the days of King Nebuchadnezzar, और नबूकदनेस्सर का के दिनों में जो राजा थे उसके दिनों में इस साम्राज्य का जो समाप्ति हुई. Whether the third world empire, Babylonian empire, was established, और तीसरा एक विश्व भर का जो साम्राज्य है जो थी उसका नाम है बाबुल का साम्राज्य. It was in the days of prophet Jeremiah, और वो था यिर्मयाह नबी के दिनों में. Jeremiah has prophesied a lot of things about Nebuchadnezzar and the Babylonian Empire, and also he prophesied about the collapse of the Babylonian Empire. और यिर्मयाह ने नबूकदनेस्सर के बारे में और बाबुल के साम्राज्य के बारे में और बाबुल साम्राज्य के समाप्ति के बारे में भी काफी भविष्यवाणियां किया है. In the days of Nebuchadnezzar, और नबूकदनेस्सर के दिनों में डैनियल शात्रक मेशक अबेदनगो एंड अदर ज्यूज वर टेकन इनटू बेबीलोनियन कैप्टिविटी,
और नबूकदनेस्सर के दिनों में दानियल, शद्रक, मेशक, अबदनेगो को उस बाबुल में बंदुआई में ले जाया गया था। डैनियल वाज़ अ ग्रेट सीयर, और दानियल को भी एक महान नबी करके कहा गया। Probably he was 15 years old when he was taken to Babylon. शायद जब वो बाबुल में ले जाया गया उसका उम्र 15 रहा होगा। And he had a wonderful gift of foreseeing the future. उसके पास एक अनोखा वरदान था कि आगे भविष्य के बातों को देखने का वरदान। And he was taken into Babylonian captivity probably in the year 606 BC. और हो सकता है 606 BC में वो बाबुल देश में ले जाया गया। And in 3 years time, और 3 साल में, probably when he was 18 years old, हो सकता है उसका उम्र 18 रहा होगा। He was taken into the group of the pundits of Nebuchadnezzar's court. और नबूकदनेस्सर का जो महल था उसमें जो पंडित लोग थे उनके बीच में ये ले जाया गया। दिस नबूकदनेस्सर, ये नबूकदनेस्सर जो है, इज द फोरफादर ऑफ सदाम हुसैन, और हमारे सदाम हुसैन के पुरखा हैं। बेबीलोन इज टुडे इराक, और बाबुल जो है आज का इराक है। द सिटी ऑफ बेबीलोन इज 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैपिटल ऑफ इराक, बगदाद। और जो इराक का जो राजधानी बगदाद है वहां से बाबुल 80 किलोमीटर के दूरी में है। इन द सेकेंड ईयर ऑफ द रेन ऑफ नबूकदनेस्सर, और नबूकदनेस्सर के दूसरे साल में, उसके शासन काल के दूसरे साल में, हिस्टोरिकली इन 603 BC, और 603 BC में नबूकदनेस्सर हैड अ ड्रीम, नबूकदनेस्सर के पास एक सपना आई। That dream troubled him very much. उसने एक सपना देखा जो उसको बहुत परेशान किया। So he called all the pundits in his court. और इसलिए उसके महल में जितने पंडित लोग थे सारे लोगों को बुलाया। He told them, और उससे बताया, I dreamt a dream. उसने कहा कि मैंने एक सपना देखा है। That has disturbed me much. और ये मुझे बहुत परेशान कर रखा है। Can you tell me the dream and its interpretation? क्या तुम मुझे ये सपना और इसका अर्थ भी बता पाओगे? In those days, उन दिनों में, the kings will have a number of astrologers, pundits and counselors in their court. और तारा का विज्ञान पढ़ने वाले और भविष्यवाणी करने वाले उनके महल में रहा करते थे। Even today many political leaders do that. आज भी बहुत सारे राजनीतिक नेता लोग इस प्रकार के बातों को करते हैं। They consult these astrologers before they file their nomination. और ताराओं का पढ़ाई करने वाले, उसका अध्ययन करने वालों के पास जाते हैं। What type of dress they should wear? और किस प्रकार का कपड़ा मुझे पहनना है? What should be the color of the pen? और किस प्रकार रंग कलम को मुझे इस्तेमाल करना है? They consult with these astrologers. और इस प्रकार के एक प्रकार के याजक लोगों के पास ये लोग जाते हैं। In the Bible, बाइबल में भी, we read about in the days of King Jehoshaphat, और यहोशापात के दिनों में जो राजा थे, in the days of King Ahab, और अहाब राजा के दिनों में, before they could go to the war, they wanted to consult some seers. और वो लोग युद्ध में जाने से पहले कोई नबी के पास पूछना चाहते थे। So they will calculate all the movements of the stars, the woman, and they say, yes, you can go for war, you should not go for war. और इसीलिए उन लोगों को ये कहा जाता था कि हाँ, अभी तारा इस प्रकार है, उस प्रकार का बात में आप आगे युद्ध में जा सकते हैं, इस प्रकार कहा करते थे। So Nebuchadnezzar also had many astrologers, pundit like that. नबूकदनेस्सर के पास भी इस प्रकार के शास्त्रीगण थे जो ताराओं का अनुमान लगा सकते थे। So they all told Nebuchadnezzar, और इसीलिए नबूकदनेस्सर के पास ये लोग कहे, King, you tell us the dream, we will give the interpretation. वो लोग बोलने लगे कि राजा जी, आप हमें सपना बताइए, हम उसका अर्थ बताएंगे। Nebuchadnezzar knew very well these people will say some story. नबूकदनेस्सर इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि हाँ, ये लोग कुछ कहानियां मुझे बताएंगे। He said, you people got some strange spirit that can reveal mysteries.
रिवील व्हाट द ड्रीम आई हैड एंड देन गिव द इंटरप्रिटेशन. राजा ने कहा कि तुम लोगों के पास कुछ विशेष आत्मा, अजीब आत्मा है करके कहते हो जो भेदों को बता पाएगी, और इसीलिए मेरे सपना सहित उसका अर्थ बता दो. व्हाट इज द यूज ऑफ फीडिंग यू? या तो तुमको खाना खिलाने से क्या फायदा? यू आर चीटिंग मी. तुम सब कोई मुझको धोखा दे रहे हो. इफ यू my dream, I'm going to kill you all. अगर तुम मेरा सपना नहीं बताओगे, मैं तुम सबको मरवाऊंगा. It became God's king's decree. It became king's decree. और ये बहुत ही गंभीर हो गया. And Daniel and his friends. और दानियल और उसके दोस्त. They started seeking the Lord. वो परमेश्वर के खोज में गए. They prayed. वो लोग प्रार्थना करने लगे. And God who reveals the सीक्रेट्स, और परमेश्वर जो राजों को खोलने वाला है, ही रिवील दैट ड्रीम एंड इट्स इंटरप्रिटेशन टू डैनियल. परमेश्वर ने उस सपना को और उस सपना का व्याख्या को भी दानियल को दिया था. सो डैनियल वेंट टू द किंग. इसीलिए दानियल उस राजा के पास गया. इन डैनियल चैप्टर 2 वर्स 29, और दानियल के पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका 29वां पद में डैनियल वेंट एंड टोल्ड द किंग. और दानियल राजा के पास जाकर के कहने लगा. इट वॉज अ क्वेश्चन इन योर हार्ट. आपके मन में एक ऐसा सवाल है. वॉट विल टेक प्लेस नेक्स्ट? क्या आगे होने वाला है? वॉट इज गोइंग टू कम टू पास नेक्स्ट? आगे अगला क्या होने वाला है? सो गॉड ऑफ यूनिवर्स वॉन्टेड टू शो यू थिंग्स दैट शैल कम टू पास हियर आफ्टर. परमेश्वर जो आगे होने वाला है उसको आपको दिखाना चाहा. यू सॉ ए बिग स्टैच्यू. आपने एक बड़ा ऐसा मूर्ति को देखा. इट्स हेड वॉज गोल्ड. और उसका सिर सोना का था. इट्स ब्रेस्ट वॉज सिल्वर. और उसका छाती वहां पे चांदी का था. इट्स अब्डोमेन वॉज ब्रॉन्ज. उसका पेट वहां पे पीतल था. इट्स लेग्स वर आयरन. और उसका जो पांव है वो लोहा का था. द फीट वर आयरन एंड क्ले. उसका पैर लोहा का था लेकिन उसका पांव वहां पे मिट्टी और लोहा का था. व्हेन यू आर गेजिंग एट दिस ऑसम इमेज. और इस प्रकार का एक मूर्ति. ए स्टोन दैट इज कट विदाउट हैंड्स. और यहां पे एक ऐसा पत्थर आया. इट केम एंड स्मोट ऑन दैट इमेज. और वो लुढ़कते लुढ़कते इस मूर्ति पर गिर पड़ा. द इमेज वॉज पाउडर्ड. और ये मूर्ति चुकना चूर हो गया. एंड दैट स्टोन ग्रू बिग. और ये पत्थर इतना बड़ा हो गया. It filled the whole earth. और सारा संसार को वो भर दिया. दिस इज योर ड्रीम. यही आपका सपना है. Now I tell you the interpretation. और मैं अभी इसका अर्थ बताऊंगा. That we read from verse 36 of Daniel chapter 2. और दूसरा अध्याय दानियल उसका 36वां वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे. And Daniel said. और दानियल ने कहा. The king Nebuchadnezzar. और राजा नबुकदनेज़र के पास. That golden head is your kingdom. The golden head is your kingdom. और ये सोना का जो सिर है वो आपका राज्य को दर्शाती है. Your kingdom will come to an end. और आपका राज्य का अंत हो जाएगी. A second kingdom will come. दूसरा एक साम्राज्य आएगा. That will be like silver. और वो साम्राज्य चांदी जैसा होगा. Inferior to gold. और वहां पे सोना से तो कम है. Stronger than gold. लेकिन सोना से बहुत मजबूत है. That will also not continue for long. वो भी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है. A third kingdom will come. तीसरा एक साम्राज्य आएगा. That will be like bronze. और वो पीतल जैसा होगा. It is still inferior than silver. जरूर वो चांदी से कम है. But stronger than silver. लेकिन चांदी से मजबूत है. Even this empire will not continue for a long time. लेकिन ये साम्राज्य भी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा. A fourth empire will come. एक चौथा साम्राज्य आएगा. That will be like iron. और वो लोहा के समान होगा. स्ट्रॉन्गर देन गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज. और ये सोना चांदी और पीतल से मजबूत रहेगा. बट इंफीरियर टू गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज. लेकिन सोना चांदी और पीतल से कम मूल्य का होगा. दिस आयरन एम्पायर. लेकिन ये लोहा का जो साम्राज्य है. टेक द फॉर्म ऑफ आयरन एंड क्ले.
और उसके बाद लोहा और मिट्टी का एक रूप ले लेगा। When the fourth empire takes the form of iron and clay, और जब ये चौथा साम्राज्य लोहा और मिट्टी का रूप ले लेगा, In the days of that kingdom, और उस साम्राज्य के दिनों में, A stone that is cut without hands will come and smite on this kingdom. और हाथों से जो नहीं खोदा गया ऐसा एक पत्थर लुढ़कते हुए आएगा। It will destroy all human kingdoms, और सारे मानव के राज्यों को वो समाप्त कर देगा। And you saw the stone grew and filled the whole earth, और आपने देखा कि वो पत्थर इतना बड़ा होकर के सारे संसार को भर दिया। God will establish his kingdom on the earth. परमेश्वर अपने साम्राज्य को इस संसार में स्थापन करेगा। Your dream is sure. आपका सपना बिल्कुल निश्चिंत and है। The interpretation is certain. और आप के लिए जो सपना का अर्थ है ये भी निश्चिंत है, नियुक्त किया गया है। It shall come to pass. ये जरूर पूरा होगा। God will establish his kingdom on the earth. परमेश्वर अपने साम्राज्य को संसार पर पूरा करेगा। If we go to Matthew chapter 21 verse 44, अगर आप मत्ती उसका 21वां अध्याय और उसका 44वां वचन को निकालेंगे, Jesus gave a very clear interpretation about who that stone would be. प्रभु यीशु मसीह ने उस पत्थर के बारे में साफ बतलाया कि ये पत्थर कौन होंगे। This verse has got two parts. और इस वचन में दो भाग हैं, हिस्सा हैं। The first part, पहला हिस्सा जो है, And whosoever fall on this stone shall be broken. और जो कोई इस पत्थर पे गिरेगा वो टूट जाएगा। Whosoever, और जो कोई, rich or poor, चाहे अमीर या गरीब, king or slave, चाहे वो राजा या गुलाम, literate or illiterate, चाहे वो शिक्षित या अशिक्षित, whosoever, इसीलिए जो कोई, fall on this stone, इस पत्थर पर गिरेगा, the stone is not doing anything. ये पत्थर कुछ करेगा नहीं। The stone is static, it's not moving. ये पत्थर हिलने वाला नहीं है, वो बिल्कुल उसी जगह पे है। Whosoever falls on this stone, लेकिन जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा, he shall be broken, वो टूट जाएगा। Jesus didn't say the stone will break him. Jesus didn't say the stone will break him. यीशु मसीह ने नहीं कहा कि वो पत्थर टूटेगा या चुकना चूर होगा। He said he will be broken. लेकिन यीशु मसीह कहता है जो गिरेगा वो टूटेगा, चुकना चूर हो जाएगा। He will just get broken. वो एकदम चकना चूर हो जाएगा। And in the second part, लेकिन दूसरा भाग में हिस्सा में कहता है, On whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। There we see in the second part, और इसलिए दूसरा हिस्सा में हम लोग देखते हैं, The stone is falling. ये पत्थर गिरता है। The stone is falling. अभी ये पत्थर उन पर या जिन पर गिरता है, The stone is falling on some particular person. और इसीलिए अभी ये पत्थर किसी व्यक्ति पर गिरता है। When the stone falls on that person, और जब उस व्यक्ति के ऊपर ये पत्थर गिरता है, The stone will grind him to powder. ये पत्थर उनको पीस डालेगा। In the first part, पहला हिस्सा में, There we read about the First advent of Jesus Christ as a savior. प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन के बारे में कि वो उद्धार कर्ता के रूप में आया, उसके बारे में पढ़ते हैं। Anyone falls on Jesus, और जो कोई यीशु मसीह पर गिरते हैं, he is just broken, वो टूटते हैं, and he is formed again. और वो फिर से बनाया जाता है। As a new creation. एक नए सृष्टि के रूप में। In the second part, लेकिन दूसरा हिस्सा में, The stone is falling on somebody. अभी ये पत्थर किसी के ऊपर गिरता है। It falls on that beast. और वो उस पशु पर गिरता है। And it will grind him to powder. और उसको वो पीस डालेगा। My dear brother, my dear sister, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन,
If you read the book of Jeremiah, अगर आप यर्मिया की पुस्तक को पढ़ेंगे, there it speaks about this Babylonian empire. यहाँ पे इस बाबुल के साम्राज्य के बारे में बतलाया गया है. And very specifically about the fall of the Babylonian empire. और खास तौर से बाबुल के उस साम्राज्य के विनाश के बारे में. Only Nebuchadnezzar's sons and grandsons will be ruling. और नबुकदनेज़र के पोता वो लोग वहां पे राज्य करेंगे करके कहा गया. एंड दैट किंगडम विल कंटिन्यू ओनली फॉर 70 years. और उनका जो साम्राज्य मात्र 70 साल के लिए होंगे. एंड जेरेमिया 29:10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे यर्मिया उसका 29वां अध्याय 10वां पद बहुत ही खास है. When that 70-year period is over, और जब वो 70 साल का समय पूरा होता है, the Jews will come back to their country. यहूदी लोग वापस अपने देश में आ जाएंगे. They will be released from their captivity. वे अपने बंधुआई से उनका रिहाई हो जाएगी. My dear brother, my dear sister, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, it was prophesied, जैसा वहां भविष्यवाणी किया गया, Nebuchadnezzar's son, नबुकदनेज़र का जो बेटा, his grandsons, और उसका पोता, when they were reigning, जब वो लोग शासन कर रहे थे, something was taking place in history. कुछ तो इतिहास में हो रही थी. The king of Persia, और पर्शिया का जो राजा, that is today's Iran, और आज के लिए ईरान है. The king of Persia was coming against Babylon. और पर्शिया का राजा जो है बाबुल के विरोध में आ रहा था. Belshazzar was the king in Babylon. बेलशाजार वहां पे उस बाबुल का शासन कर रहा था. Daniel has become a very old man. यहाँ पे दानियल बहुत बुजुर्ग हो चुका था. Probably he was 85 years old. हो सकता है उसका उम्र 82 या 85 हो सकता है. Daniel was forgotten in that land. उस देश में दानियल को भूल गए थे. So the king of Persia came and took Babylon into siege. और फारसी का जो राजा है वो आकर बाबुल को कब्जा करी. He came and took Babylon into siege. और उसने उस बाबुल को पूरा घेर लिया. But they could not penetrate into Babylon. लेकिन बाबुल के अंदर वे वो प्रवेश नहीं कर पाया. It was a well fortified city. और उसका शहरपना इतना मजबूत था. The army of the Persian king was starving outside the wall of Babylon. फारसी सेना बाहर बाबुल के बाहर खड़ी हुई देख रही थी. There was elephants, horses, men. उनके पास सारा बल थे, हाथी का बल, घोड़ा का बल, और जो सेना यानी कि पैदल चलने वाले सेना भी था. They all are starving. They could not have good food. और उनके पास खाना की कमी भी थी. And Daniel was praying. यहाँ पे दानियल प्रार्थना कर रहा था. Oh, 68 years have passed by. प्रभु जी अभी 68 साल पूरा हो चुके. 68 years have passed by. प्रभु परमेश्वर 68 साल पूरा हो चुके. Oh Lord, when will have our deliverance? प्रभु हमारा छुटकारा कब होगा? When will you take us back to our city? हमारे देश में, हमारे नगरी में आप हमें कब वापस ले जाएंगे? Daniel was praying. यहाँ दानियल दुआ कर रहा था. Belshazzar was hosting a feast. बेलशाजार वहां पे एक बड़ा जोरदार वहां पे लोगों के लिए भोजन किया, आयोजन किया था. See this as three things. हम लोग तीन प्रकार के बातों को देखते हैं. Belshazzar was hosting a feast. बेलशाजार वहां पे एक बड़ा भोज दे रहा था लोगों के लिए. Daniel was praying. कहीं वहां दानियल दुआ कर रहा था. The Persian army was outside. और यहां फारसी सेना एक किनारे में इंतजार कर रही थी बाहर. They could not penetrate into the city. वो लोग उस शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे. Imagine like this. इस प्रकार हम कल्पना करके देखेंगे. Somebody came and told Daniel. कोई आकर के दानियल को बताएं. He said, Daniel, Tata. दानियल दादाजी. Grandpa. दादाजी दानियल दादाजी. You know the king of Persia, Cyrus, has come and has taken our city into siege. और कुप्रुस राजा हमारे
पूरा नगर के चारों तरफ वो घेर चुका है. What did you say? क्या बता रहे हो बाबू? Why, दादाजी, why are you troubled? आप दादाजी क्यों परेशान हैं? What? क्यों? Hey, what's the name you said? क्या तुम क्या बताया अभी मुझे? Cyrus. कुप्रस. So what? तो क्या हुआ? Oh, praise the Lord. और अब कहता है प्रभु की स्तुति हो. Cyrus. और हमारे लिए कुप्रस. 200 years ago. 200 साल पहले प्रॉफेट आइज़ाया हैज स्पोकन. यशाया नबी ने कहा है. डैनियल वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसी. और यहाँ पे दानियल भविष्यवाणियों का एक विद्यार्थी था. ही हैज रेड व्हाट आइज़ाया हैज रिटन. और उसने वहां पे यशाया नबी जो कहा था और उसके द्वारा से लिखा गया उस बात को सीखा था. 44 Isaiah chapter 44. यशाया नबी के पुस्तक उसका 44वां अध्याय में. Verse 28. और 28वां पद में. We read about this Cyrus. इस कुप्रस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. The wall was the doors were closed by front of him. और वहां पे दरवाजा उसके सामने बंद किया गया था. He could not go. वो farther. आगे बढ़ नहीं सका. But God will break open the door. लेकिन परमेश्वर उस कुसरू राजा के लिए दरवाजा को तोड़ने वाला था. He will lead Cyrus. और कुसरू राजा को वो अंदर प्रवेश करने के लिए मदद करेगा. That we read about in first four verses of Isaiah chapter 45 also. और हम लोग उस यशाया नबी के 45वां अध्याय पहला 4 वचनों को भी जब पढ़ते हैं. माई डियर ब्रदर, माई डियर सिस्टर, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, एज इट वॉज ब्यूटिफुली प्रोफेसाइड इन द बाइबल, जैसा भविष्यवाणी बिल्कुल सुंदर ढंग से बाइबल में किया गया, इन अ मिरेकुलस वे, एक अद्भुत तरीके में, गॉड ओपन द डोर्स फॉर साइरस, परमेश्वर ने उस कुछ के लिए दरवाजा को खोल दिया. बेलशाजर वाज होल्डिंग अ फीस्ट. वहां पे बेलशाजर वहां भोजन का प्रबंध कराया था. एन आइडिया केम टू साइरस. और कुसरू राजा के दिमाग में एक विचार आया. इन द पिक्चर यू आर एबल टू सी द सिटी ऑफ बेबीलोन. और वो बाबुल शहर को देख पा रहा था. एंड द रिवर यूफ्रेटिस इज फ्लोइंग Across Babylon. और फरात नदी उस बाबुल के तरफ और वो बहती है जो. The Persian army was one side of that river. और फारसी का जो सेना एक तरफ थी उस नदी के एक तट पे थी. Now the Persian king Cyrus. अभी वो फारसी राजा जिसका नाम कुसरू था. Sent half of his army around the city. और उसने आधा अपना सेना को बांट करके वो उस नगर के चारों तरफ घूमने दिया. They went to the head of the river. और वो लोग उस फरात नदी के उस आगे चले गए, उस नदी के आगे. They suddenly started digging canals and diverting the flow of the river Euphrates. और फरात नदी का जो नाली है वो किस प्रकार बांटा गया उसको वो लोग देख पाए. Half of the army is on the other side of the city. और आधा सेना उस तरफ, उस शहर के उस तरफ. Now suddenly the water level fell. अचानक से वो पानी का जो मात्रा है वो कम होने लगा. Risking their lives, some of these army men they sneaked into the city. और कोई कोई जो सेना का जो लोग थे वो अपने जीवन को जोखिम में डाल करके उसमें प्रवेश करने लगे, उस नदी को पार करने लगे. The city was in a festive mood. और वो पूरा नगरी एक ऐसा पर्व के उस हालचाल या उस कोलाहल में था. The city was in a festive mood. और उस प्रकार का एक पर्व का कोलाहल को मना रही थी. When the king was in the feast. और जब वो राजा भी उस कोलाहल में था. A hand was writing. एक हाथ उस दीवार पे लिखने लगा. मैंने टेकेल उपार्सिन करके वो हाथ लिखने लगा. The king of frightened. और राजा डरने लगा. His knees were shaking. और उसके घुटनों में बल नहीं रही. What is this? और ये क्या हो रहा? Tell me what is this? कौन मुझे बता पाएगा ये क्या है? Then somebody said, "That's one Daniel."
और किसी ने दानियल के बारे में याद दिलाया. Daniel was brought to the court. और दानियल को उस राजमहल में बुलाया गया. The army of the king Cyrus was penetrating into the city. कुश्रू राजा के सेना उस शहर के अंदर प्रवेश कर रही थी. Daniel was interpreting the handwriting on the wall. और दानियल उस उंगली का लिखावट का व्याख्या बता रहा था. The Persian soldiers were throwing the gates open. फारसी सेना उस का जो सैनिक है उस फाटक को वो लोग खोल रहे थे, बाबुल के फाटक को खोल रहे थे. Daniel was saying, और दानियल इस बात को देख रहा था. मैंने टेकेल उपासिम, और वो कह रहा था मैंने टेकेल उपासिम. You have weighed in a balance and found wanting. और तुमने उस संतुलन में रखा गया तराजू में और तुम कम पाए गए हो. As it was prophesied, जैसा वहां पे वो भविष्यवाणी कर रहा था. Iron bars were put asunder. और वहां पे उसका दीवार तोड़ टूट पड़ा. ब्रॉन्ज गेट्स वर थ्रोन ओपन. और पीतल जो फाटक थे वो खुला. God was leading the army of Cyrus into the city from either side. परमेश्वर कुश्रू राजा को अनुमति दे दिया कि इस नगरी में प्रवेश करे. As it was prophesied, जैसा वो भविष्यवाणी कर रहा था. Babylonian empire collapsed. वहां पे बाबुल साम्राज्य का अंत हो गया. And the Cyrus empire was established. कुश्रू राजा का साम्राज्य वहां स्थापन हुआ. The first empire, Egyptian empire. और पहला साम्राज्य मिस्र साम्राज्य. सेकंड वन असीरियन एम्पायर. दूसरा साम्राज्य अशूर का साम्राज्य. थर्ड वन इज द बेबीलोनियन एम्पायर. तीसरा साम्राज्य बाबुल का साम्राज्य. इन द डेज ऑफ किंग बेलशज़र. और बेलशज़र के उस राजा के समय में बेबीलोनियन एम्पायर एंडेड. बाबुल का साम्राज्य का अंत हुआ. And Medo Persian Empire was established by King Cyrus. और मेदो फारसी साम्राज्य का स्थापन हुआ. इन हिज सेकंड ईयर. In his first year, उसके पहला साल में. In the year 536, और 536 में. As it was prophesied, जैसा कहा गया. That you read in Ezra chapter 1 verse 1, और जैसे हम एज़रा के एक एक में पढ़ते हैं. Exactly when 70 years are over, जैसा 70 साल पूरा हुए. Jews in the days of Cyrus, they found freedom to go back to their land and build a temple for them. कुश्रू राजा के दिनों में ये यहूदी लोग रिहाई पाए और अपना मंदिर बनाने लगे. Even the Medo Persian empire didn't continue forever. और वो मेदो फारसी जो साम्राज्य है वो भी ज्यादा दिन तक नहीं चला, हमेशा के लिए नहीं चला. In Daniel chapter 8, और हम देखते हैं दानियल के आठवां अध्याय में. It is prophesied how the Medo Persian empire will collapse. और वो मेदो फारसी का साम्राज्य का अंत कैसा होगा करके वो भविष्यवाणी करने लगा. As it was prophesied, और जैसे उसने वहां पे भविष्यवाणियां की. Egyptian empire collapsed, वहां पे मिस्र का साम्राज्य समाप्त हुआ. As it was prophesied, जैसे भविष्यवाणियां किया गया. Assyrian empire collapsed, अशूर साम्राज्य समाप्त हुआ. As it was prophesied, जैसा भविष्यवाणियां किया गया. Babylonian empire collapsed, बाबुल का साम्राज्य का भी समाप्ति हुई. Even before the fall of Medo Persian empire, जैसा मेदो फारसी का साम्राज्य का भी समाप्ति हुई. With a minute detail, वैसे एकदम छोटे छोटे बातों को लेकर के. इट इज गिवन हाउ दैट एम्पायर विल आल्सो कोलैप्स्ड. और वही साम्राज्य भी समाप्त हुआ. एज इट वॉज प्रोफेसाइड इन द बाइबल, जैसे बाइबल में भविष्यवाणियां किया गया. मेदो पर्शियन एम्पायर आल्सो कोलैप्स्ड, मेदो फारसी साम्राज्य भी समाप्त हुआ. देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद हुआ क्या. व्हाट इज नेक्स्ट, क्या अगला है. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट, अगला भाग में इसको हम लगातार देखेंगे. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष देने पाए. As it is prophesied, जैसा भविष्यवाणी किया गया है. Things happened, बातें हुई. Yesterday's prophecies, कल का जो भविष्यवाणियां थी. Became news, आज के लिए वो खबर बन गए. Yesterday's prophecies, और कल के जो भविष्यवाणियां. Becoming news, और ये आज खबरें बन जा रही हैं. Prophecies are becoming history, और भविष्यवाणियां इतिहास बन रही हैं.
God bless you. परमेश्वर आपको आशीष देने पाए।